आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। तो टाटा मोटर्स में आप देखेंगे, आपको आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। शेयर ने अपनी आज थोड़ी सी तेजी गवाई है। आखिरी मिनटों में 348.50 रुपये क्लोजिंग दिए, 2.75 रुपये शेयर बढ़ा है, 0.80% आपको शेयर में तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या टाटा मोटर्स के अंदर 350 के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, कि यहाँ से शेयर आपको 375 रुपीज़ के लेवल आने वाले सेशंस में दिखा सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो टाटा मोटर्स की अगर बात करें आज, तो टाटा मोटर्स ने आज इंट्राडे में बढ़िया तेज़ी दिखाई थी और शेयर 356-357 रुपीज़ तक के लेवल आपको आज इंट्राडे में दिखा चुका था। बट जैसे ये 356-357 के लेवल के आसपास आता था, तो उसके बाद यहाँ से आपको देखिए एक डाउनफॉल बनता हुआ देखने को मिला था। और आज दोनों बार ऐसे ही हुआ, जैसे ही अपने 355-356 के लेवल पर आता था, देन यहाँ से शेयर में आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलता था। और डाउनफॉल में आज देखिए शेयर ने फिर अपना सपोर्ट तोड़ा 350 रुपीज़ का, और 350 के बाद देखिए 347-348 तक भी आपको शेयर डाउनफॉल जाता हुआ देखने को मिला है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि ऑटो सेक्टर आप देखेंगे, आज ऑटो सेक्टर भी दोस्तों नेगेटिव था, जहाँ मार्केट दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव था। तो बट यहाँ पे ऑटो सेक्टर आज भी आपको नेगेटिव था, यानी लाल निशान में बंद हुआ है निफ्टी ऑटो का, देखिए यहाँ पे इंडेक्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए आज निफ्टी ऑटो में भी गिरावट थी और यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर में भी गिरावट थी। बट यहाँ पे टाटा मोटर्स देखिए आज काफ़ी बढ़िया कर रहा था, स्पेशली आज टाटा ग्रुप देखिए काफ़ी बढ़िया कर रहा था। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब टाटा मोटर्स में आप देखेंगे तो अब शेयर में जो तेज़ी आपको देखने को मिली है, अब शेयर फिर से एक जगह पर आपको देखिए कंसॉलिडेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे आपको टाइम दिखा सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बट यहाँ पे 350 से लगाकर 356-357 चलिए, ये एक ऐसी लेवल है दोस्तों जहाँ पे शेयर में आपको एक कंसोलिडेशन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और अगर ये कंसोलिडेशन टूट जाता है तो फिर यहाँ पे दोस्तों एक तेज़ी देखने को मिलेगी 357 के बाद, और 357 के 365 तो ये लेवल डेफिनेटली आपको दिखाएगा। क्योंकि देखिए, जैसा आपको मैंने पहले लेवल्स बताए थे कि 330 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही तोड़ेगा 350 तक जाएगा। और देखिए 350 रुपये का लेवल आपको आज देखने को मिल चुका है। तो ये वैसा ही है कि दोस्तों अब 357 का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही दोस्तों यहाँ से आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी और शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा 365 रुपये तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेयर के, देखिए हम टेक्निकल्स के ऊपर। देखिए हर बार मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि शेयर में बाइंग किस प्रकार हो रही है। तो अगर आप देखेंगे आखिरी मिनटों में, तो आपको खुद को देखिए नज़र आएगा कि आखिरी मिनटों में आपको शेयर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। जो आपको मैंने कहा 14 sell to buy, आप सेलिंग रेशियो देखिए 14 sell to buy, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए 7:1 का रेशियो है। ऑसिलेटर्स देखेंगे तो सेलिंग 0 दिखा रहे हैं और बाइंग 2 दिखा रहे हैं। तो ऑसिलेटर्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, बट मूविंग एवरेजेस दोस्तों ये थोड़ा सा देखिए मूड ख़राब कर रहे हैं। और यहाँ पे 14 sell 0 buy, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो सेलिंग प्रेशर शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग दोस्तों इंडिकेट कर रहा है कि शेयर में आपको 357 यानी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद शेयर में आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए शेयर यहाँ पे डाउनफॉल जाता हुआ देखने को मिला है आज भी आपको इंट्राडे में अपने ऊपर के लेवल से। तो यहाँ पे आप देखिए अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस की, जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 357 का दोस्तों रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, जैसे ब्रेक होगा 365 इमीडिएट रुपीज़ तक ये शेयर जाएगा, फिर 365 एक रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या करना है, कल बाय करना है दोस्तों आपको, CMP पे टारगेट रखना है। मेरे को लगता है जो अचीवेबल है यहाँ इन लेवल से वो है 365 रुपये तक के, और जो स्टॉप लॉस कल के लिए नहीं, थोड़ा सा ये आपको मैं दे रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, ठीक है, इस हफ्ते के एंड तक। और जो आपको स्टॉप लॉस दोस्तों मेंटेन करना है, वो करना है यहाँ से करीबन 348 करंट लेवल है, बट 345 का एक आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। बिकॉज 345 मुझे लगता है कि इसके नीचे ये शेयर नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता है तो फिर ये यहाँ पे देखिए आपको फिर से बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और 330 रुपये तक लोअर ये जा सकता है। तो 345 का स्टॉप लॉस बाय एट CMP, टारगेट रखे 365 के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, तब को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ओवरऑल बिल्कुल खरीदारी की सलाह दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी तो करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।